अस्सलाम वालेकुम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट 431.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 36.98। ठीक है, ये हमारी वैल्यू दी भी हमें फाइंड आउट करना है लॉग से वैल्यू इसकी। ठीक है, लॉगरिथम अप्लाई करना है। फर्स्ट वी हम इसे x के इक्वल सपोज करेंगे, x इज इक्वल्स टू 431.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36.98। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग x बराबर है लॉग 431.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब हम अपने लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ है कि लॉग एम एम यानी एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग एम प्लस लॉग एम। ठीक है, एडिशन की साइन आ जाती है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। और अगर लॉग एम अपॉन एन हो तो लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस साइन आ जाती है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। लॉग एक्स बराबर है लॉग 431.5 प्लस लॉग 1.2 का स्क्वायर माइनस लॉग 36.98। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों दरमियान प्लस की साइन आ गई। ये सारे सबसे डिवाइड हो रहा था, इसके दरमियान इसके पहले माइनस की साइन आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन। अब है अंडर रूट, तो अंडर रूट को अगर हम खोलें तो हमारी पावर लग जाती है हाफ 431.5 की पावर हो गई हाफ। रूट खोल दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अभी हम एक साथ लॉ अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। यहाँ पर रूट के ऊपर 3 मौजूद है, जब भी यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता यहाँ 2 मौजूद होता है। अब यहाँ अगर 3 लिखा हुआ है तो जब ये खुलेगा तो यहाँ 1/3 लग जाएगा, और ये खुलता है तो 1/2 लग जाता है। ठीक है, इस तरह से अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 36.98 की पावर 1/3। ठीक है, ये हमने सबके लॉग जो है रूट खोल दिए। अब हम जानते हैं कि लॉग एम की पावर अगर एन मौजूद हो, यानी किसी की भी कोई भी लॉग फाइंड आउट करना है उसकी पावर मौजूद हो, तो पावर लॉग से पहले आ जाती है और बाकी चीज़ ऐसे ही रह जाती है। एन पहले आ गया पावर लॉग से, बाकी लॉग एम ऐसे ही रह गया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू हाफ पहले आ गया और लॉग 431.5 ऐसे ही रहा। यहाँ पर 2 पहले मौजूद है तो 2 पहले आ गया लॉग से, और लॉग 1.2 ऐसे ही रहा। यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 लॉग से पहले आ गया और लॉग 36.98 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब फाइंड आउट कर सकते हैं हम इजीली लॉग की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 431.5 का लॉग मालूम करना है, तो 431.5 का लॉग। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं फिर डेसिमल है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसकी 2 पॉजिटिव, क्योंकि डेसिमल रेफरेंस के बाद पॉइंट के बाद है 2 पॉइंट। अब 43 के 1 में चेक करेंगे और 5 में चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 43 के 1 में और 5 में चेक करने के बाद 6340। ठीक है, 6340, तो लॉग एक्स मेरा आ जाएगा 2.6340। ठीक है, हाफ इससे पहले मौजूद है तो डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, या हाफ आप इससे पहले लिख सकते हैं प्लस 2। ये लॉग 1.2 निकालेंगे तो रेफरेंस पॉइंट देन डेसिमल फिर 2। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ गई 0। डेसिमल लगाएंगे और 12 की में के 0 में देखेंगे, 12 के 0 में अगर हम वैल्यू देखें 0.0792 ये वैल्यू है 0.0792
माइनस वन अपॉन थ्री, ऐसे लॉग 36.98 फाइंड आउट करें। अगर हम 36.98 रेफरेंस पॉइंट डिजिट है, फिर डेसिमल है, फिर 98, तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान वन डिजिट का डिफरेंस, और डेसिमल बाद में तो पॉजिटिव वन वन पॉइंट। अब 36 के 9 में देखेंगे और 8 में देखेंगे, जब हम 36 के 9 और 8 में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी 5680। देखने में आपको पिछले तमाम सवालों में बता चुके हूँ, बहुत आसानी से आप टेबल चेक कर सकते हैं, 1.5680 इसकी वैल्यू आई। अब हमारे पास लॉग फाइंड आउट हो गया, अब हम इनको सिंपल डिवाइड कर लेंगे, यानी इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद 1.32, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1584, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5226। ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर लेंगे सिंपल, ये हमारे पास आ जाएगा 1.4784 माइनस साइन, ये हमारा है 0.5226। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.95580 है। ठीक है, हमारा लॉग फाइंड आउट हो गया। अब लॉग हमारा मतलब पॉजिटिव है तो आराम से हम एंटी लॉग निकालेंगे, एक्स बराबर है लॉग यहाँ जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.9558। कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं डेसिमल पे पहले, डेसिमल से पहले मौजूद होती है जो कि है 0। हम 0.95 के 5 और 8 में चेक करेंगे, वो भी एंटी लॉग के टेबल में। अब हम अपनी बुक लेंगे, लॉगरिथम में नहीं एंटी लॉगरिथम में चेक करना है, और 0.95 के 5 में और 8 में, तो 0.95 का 5 है 9016। ठीक है, और 5 के बाद हमने चेक करना है 8 में, तो 8 है हमारे पास ये 17। ठीक है, तो 9016 में 17 ऐड किया, 9016 प्लस 17 13309 9033, तो एंटी लॉक की वैल्यू हमारी आई 9033। अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 कैरेक्टरिस्टिक पुट करेंगे, किस तरह से पुट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद अगर जितने डिजिट्स हमारे दिए हुए होते हैं उतने नंबर्स के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 0 है तो किसी के 0 के बाद यानी एक भी नंबर मौजूद नहीं है डेसिमल लगा लेंगे बाकी नंबर, तो हमारी एंटी लॉक की वैल्यू आई 9.033। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी क्वेश्चन।